प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 18 का 9 से 14 वचन में मिलेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को दृष्टांत में समझा रहे थे कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इस विषय में प्रभु ने दृष्टांत में अपने चेलों को समझाया कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक मनुष्य फरीसी था। फरीसी मनुष्य बाइबल के अनुसार वह मनुष्य होता है जिन्हें व्यवस्था की पुस्तकों का ज्ञान होता है तथा वह व्यवस्था के आधार पर जीवन जीने वाले मनुष्य होते हैं, तथा दूसरा मनुष्य चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला अर्थात टैक्स कलेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैक्स वसूलने वाले कैसे मनुष्य होते हैं, दूसरा मनुष्य वही था। तब आगे हम देखते हैं कि जो फरीसी व्यक्ति था वह खड़ा होकर अपने मन में ऐसे प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, ना ही अन्यायी हूँ, ना ही व्यभिचारी हूँ और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, तथा उसने कहा कि परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ और मैं तो अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। इस प्रकार उस फरीसी मनुष्य ने अपने को अधिक धर्मी सिद्ध करते हुए परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, क्योंकि वह फरीसी मनुष्य अपने को खुद की दृष्टि में धर्मी समझ रहा था, इसीलिए वह ऐसी प्रार्थना भी कर रहा था। तब आगे हम देखते हैं कि दूसरी ओर चुंगी लेने वाला मनुष्य दूर खड़ा था, तथा उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। छाती पीटने का अभिप्राय गलत ना समझना भाई और बहनों। छाती पीटने का अभिप्राय यहाँ परमेश्वर की दुहाई देने से है, उसे रो रो कर पुकारने से है, अपने पापों की क्षमा मांगने से है। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ अपने चेलों को समझाते हुए कहते हैं कि वह फरीसी नहीं परंतु वह दूसरा मनुष्य ही धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाया। और वहाँ प्रभु ने यह भी कहा कि जो कोई अपने को बड़ा करेगा या बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो मनुष्य अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। बहुत ही स्पष्ट है इस दृष्टांत का अभिप्राय। जो मनुष्य खुद को अपनी दृष्टि में धर्मी कहता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है या नहीं, यह समझने व सीखने वाली बात है मेरे प्रियो। जिस प्रकार फरीसी ने खुद की गवाही खुद ही देते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की जो खुदा की दृष्टि में सही नहीं है, यह सही है कि वह मनुष्य उपवास करता था या अन्यायी नहीं था या व्यभिचारी नहीं था, यह सही है, परंतु मनुष्य अपने आप को इन कारणों से खुद धर्मी सिद्ध नहीं कर सकता, यह तो परमेश्वर ही जांचता है। मनुष्य खुद को अपनी दृष्टि में धर्मी समझता है परंतु यहोवा हृदयों को जांचता है, ऐसा बाइबल दर्शाती है। धार्मिकता अपने अपराधों को परमेश्वर के सम्मुख जानकर ईमानदारी से स्वीकार करने में है। जिस प्रकार उस चुंगी लेने वाले मनुष्य ने अपने अपराधों को ईमानदारी से एक्सेप्ट किया तथा उसने पापों की क्षमा भी मांगी, तथा उसी रीति से उसने अपने ऊपर परमेश्वर से दया की मांग की। जी हाँ भाई और बहनों, यह सत्य है कि हमें बुराई से दूर रहना है, उपवास भी करते रहना है, परंतु उससे बढ़कर यह है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी से तथा विश्वास योग्य ठहरें, क्योंकि मनुष्य पाप की गुलामी से दुष्टताई के कार्यों से घिरा पड़ा है। परंतु जब हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर खुद को परमेश्वर के सामने छोटा करते हैं तथा
उसमें ईमानदारी में बने भी रहते हैं तो परमेश्वर हम पर उसी घड़ी अनुग्रह भी करता है तथा वह हमें फिर पाप न करने देने की या पापों से मन फिराने की ताकत तथा सामर्थ्य भी प्रदान करता है। वह तो दयालु परमेश्वर है, वह नहीं चाहता कि हम खुद को दिखावटी धार्मिकता में रखें तथा पापों से मन फिराने की कोशिश भी ना करें। वह तो चाहता है कि हम उस सच्चे तथा जीवित परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, तब वह दयालु परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है तथा हमें मन फिराव का अवसर प्रदान कर हमें सच्ची धार्मिकता में सिद्धाई से लेकर भी आता है। तो मेरे प्रियो, हमें भी इस दृष्टांत से यही सीखने को मिलता है कि हमारी धार्मिकता के कार्य हमें परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध नहीं बनाते। यदि हम खुद को ऊंचा करके प्रकट करने की कोशिश भी करें तो इससे हम धर्मी तथा ऊंचे सिद्ध नहीं होते। यह एक गलत धारणा है परमेश्वर की दृष्टि में। हमें उस चुंगी लेने वाले मनुष्य की तरह ईमानदार होना है जैसा उसने, चाहे अपने जीवन में गलत काम किया, गलत तरीकों से पैसा कमाया, परंतु जब वह परमेश्वर की वेदी के सम्मुख आया तो उसने अपने जीवन के पापों की क्षमा ईमानदारी से परमेश्वर से मांगी। उसने अपने पापों तथा गुनाहों को छिपा नहीं रखा और ना ही खुद को अपनी दृष्टि में योग्य तथा धार्मिक समझा। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हमने भी अपने जीवन में कुछ गलत किया हो जाने अनजाने में, तो हमें भी अपने को परमेश्वर के सम्मुख छोटा करके तथा ईमानदारी के साथ उससे अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तथा अपने पापों से परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर मन फिराना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर की दया के मनुष्य योग्य नहीं कि वह खुद को परिवर्तित कर सके। यदि वह ऐसा खुद ही कर पाता तो यीशु मसीह का क्रूसीफाई होना ही जरूरी ना होता, परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा बाइबल बताती है। और जो उसके सामने खुद को छोटा कर अपने पापों को ईमानदारी से स्वीकार करता है तथा पापों से मन फिराने की प्रार्थना भी करता है, तब परमेश्वर उसे अपना बल तथा अनुग्रह भी प्रदान करता है पापों से मन फिराने के लिए तथा सिद्ध जीवन जीने के लिए। तभी परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले मनुष्य के विषय यह कहा भी कि यही मनुष्य अपने घर अर्थात यही मनुष्य अपना उद्धार पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। वह फरीसी नहीं जिसने अपनी बड़ाई की ही प्रार्थना की तथा खुद की दृष्टि में खुद को बड़ा बनाया, जिसका कोई फायदा नहीं। व्यवस्था हमें धर्मी सिद्ध नहीं करती मेरे प्रियो, ना ही वह हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवा पाती है। यह सही है कि हमें व्यवस्था को मानना है, परंतु हमारा छुटकारा तथा उद्धार मसीह यीशु के बलिदान से हुआ है, जिसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए हमें भी परमेश्वर की व्यवस्था को आदर के साथ मानते हुए तथा अपने सभी पापों की गुनाहों की क्षमा ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करनी है। तभी हम अपने घर अर्थात स्वर्ग, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया भी है, पहुँच पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हमें भी धार्मिकता में चलना है, खुद को छोटा कर परमेश्वर के सामने तथा जाने अनजाने में यदि हमने कोई गुनाह किया हो तो हमें अपने सभी गुनाहों के लिए परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार बने रहना है। तभी परमेश्वर हमें शिरोमणि भी बनाएगा। यही है इस पूरे दृष्टांत का अभिप्राय। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।